बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज प्रिडिक्टिव वैल्यू। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब होता है जनाब कि दो तरह की प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट एज हैविंग द डिजीज। The proportion of the people, the proportion of the people to have been correctly identified by the test as having the disease. Or negative predictive value hoti hai, the proportion of the people to have been correctly identified by the test as not having the disease. ठीक है, तो जनाब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या थी? टेस्ट की एबिलिटी। अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है कि क्या प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स या पीपल उनको टेस्ट ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है एज हैविंग द डिजीज या करेक्टली आइडेंटिफाई किया है एज नॉट हैविंग द डिजीज। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे पेज नंबर 183 पे। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है फिगर 15.5। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। अब अगर उसी एग्जांपल को लेके मैं चलूं और मैं आपसे कहता हूं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आप कैलकुलेट करो, तो वो अगेन ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्या आ जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 12, जो अगेन 83% है। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डी कितना है? 12, और सी प्लस डी 12 प्लस 2 14, 12 डिवाइडेड बाय 14 85.7। तो ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अच्छा, एक बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये मैच नहीं करना शुरू कर देना कि सेंसिटिविटी भी 83% थी तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी 83% आई है। वो सिर्फ बाय चांस आई है, इस केस में आई है, क्योंकि ये छोटा सा डेटा है, हाइपोथेटिकल। जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। सेंसिटिविटी की वैल्यू कुछ और होती है, स्पेसिफिसिटी की कुछ और होती है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कुछ और होती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कुछ और होती है। तो इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, देन कम्स पेज नंबर 187 पे, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस। नॉन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस में तीन डिजाइंस होते हैं, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी। कोहॉर्ट हमने कर ली कवर, केस कंट्रोल हमने कर ली कवर, क्रॉस सेक्शनल हमारी रहती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का एक और नाम होता है, वो नाम होता है प्रेवलेंस स्टडी। प्रेवलेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। प्रेवलेंस क्या होती है? प्रेवलेंस होती है नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इन अदर वर्ड्स हमें पता चला कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी में किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी डिजीज का बर्डन देखना चाहते हैं तो हमें कौन सी स्टडी करनी है? प्रेवलेंस स्टडी या क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक ही चीज के दो नाम। ठीक है, और जाहिर है उसमें मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? प्रेवलेंस होगा। कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि एक छोटा सा विलेज है, उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों कितने लोगों को आर्थराइटिस है 22 सितंबर के दिन। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस विलेज के सारे लोगों को उनके घर जाऊँगा, उनको देखूंगा किस किस को आर्थराइटिस है, पहले से डायग्नोस्ड है, और किस किस को आर्थराइटिस है वो न्यू केस है, उसको डायग्नोज नहीं था, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, या मेरे साथ एक मेडिकल डॉक्टर है जो चेक कर रहा है और वो डायग्नोज कर रहा है कि अच्छा भाई इसको भी आर्थराइटिस है, इसको भी आर्थराइटिस है, इसको भी आर्थराइटिस है। और उस विलेज की टोटल पॉपुलेशन लेट से 5000 है, 5000 मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। लेट से 500 पहले आर्थराइटिस के पेशेंट से, 100 न्यू आइडेंटिफाई हो गए, 600 मेरा न्यूमरेटर। तो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट प्रेवलेंस। और इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन स्टडीज करते हैं, जैसे मैंने बताया केस कंट्रोल और कोहॉर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट कम्स आउटकम्स रिसर्च, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस। अभी तक जो हमने किए थे वो नॉन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस थे। नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब था कि वो नॉन इंटरवेंशनल डिजाइंस थे। उन स्टडीज के अंदर चाहे वो क्रॉस सेक्शनल हो, चाहे वो केस कंट्रोल हो, चाहे वो कोहॉर्ट हो, हम अपने पास से कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे थे। हम कुछ कर रहे थे, हमने कुछ दिया स्टडी पार्टिसिपेंट्स को, कुछ खाने को, कोई मेडिसिन, कोई ड्रग, कोई डाइट प्लान, कोई फिजियो का ट्रीटमेंट, कोई रिहैब प्रोसीजर, कोई चीज हमने उनको दी
इन इन तीनों में से किसी भी स्टडी डिजाइन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट खुद से करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। और जो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च होती है उसका नाम होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, ये अगेन मैं आपको पिछले एक लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, ब्लाइंडिंग या मास्किंग का कॉन्सेप्ट, और सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्लियर? तो ये आपने वहां से अच्छे से इसको पढ़ लेना है, उस लेक्चर को आप दोबारा सुन सकते हो। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और चैप्टर है, दैट इज सर्वे रिसर्च, पेज नंबर 213। हाँ, सर्वे रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसके अंदर हम सर्वे करके कम्युनिटी से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें। ठीक है, सर्वे की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, सिस्टम फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और अबाउट पीपल टू डिस्क्राइब, कंपेयर और एक्सप्लेन देयर नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी कोविड को लेके लोगों का क्या परसेप्शन है, तो मैं उसके लिए क्वेश्चनियर डिजाइन करूंगा। उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखना चाह रहा हूँ, तो मैं एक यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, वहां पे उन सबको वो क्वेश्चनियर दूंगा, उसको फिल कर देंगे, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनके नॉलेज से रिलेटेड कोविड का जो है, उनके एटीट्यूड से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोविड की प्रिवेंशन के लिए, वो क्या करें, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सर्वे रिसर्च के अंदर आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब जब भी हम सर्वे रिसर्च करते हैं तो उसकी कुछ डायमेंशन होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। उसकी फर्स्ट डायमेंशन ये है कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारी जो पर्टिकुलर सर्वे रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है। अगर हमें पता होगा तो ही हमारा जो क्वेश्चनेयर है उसको, जो सर्वे फॉर्म है या जो क्वेश्चनेयर है उसको हम अच्छे से डिजाइन कर सकेंगे, और सबसे अच्छे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हम लोगों से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो डायमेंशन होती है वो होती है टाइमिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी सर्वेस जो होते हैं वो डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड इन टाइम जाते हैं, और सर्वे रिसर्च के अंदर हम फिजिकली हम ऐसा खुद से उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं फिजिकली कम्युनिटी के अंदर जाके। थर्ड जो डायमेंशन है दैट इज कि वेदर जो हमारी रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है नेचर के अंदर। ठीक है, जो सर्वे रिसर्च होती है वो बेसिकली नॉन एक्सपेरिमेंटल ही होती है। सर्वे रिसर्च के अंदर हम लोगों को कुछ कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, कोई डाइट नहीं दे रहे, कोई फिजिकल थेरेपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो ये हमेशा जो है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं सर्वे रिसर्च की, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं जब हम अपना क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हैं या सर्वे फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अंदर एक जो ऑप्शन है दैट इज ओपन फॉर्मेट आइटम्स, यानी जैसे कल मैंने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में समझाया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्वे के अंदर पहला क्वेश्चन डालता हूँ, व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग कोरोना वायरस, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके अंदर बेटे येस नो वाले आंसर नहीं आ सकते, इट इज नॉट अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इसके अंदर चाहे तो स्टूडेंट मुझे दो लाइन में आंसर कर दे, चाहे तो वो आधे घंटे की तकरीर सुना दे, या मैं स्टूडेंट से पूछूं व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैं पूछूं आर यू सेटिस्फाइड विद हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो यस नो, ये क्लोज एंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो फॉर्म है वो क्लोज एंडेड, क्लोज फॉर्मेट आइटम्स की है, जिसके अंदर यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट अकॉर्डिंग टू यू, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछूं कि डू यू रेगुलरली डू योर ब्रेकफास्ट, तो वो कहेगा यस yes, या वो कहेगा नो no, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली मेरी सर्वे, मेरी रिसर्च किस किस्म की है, मैं सर्वे रिसर्च किस किस्म की करना चाहूँ। फिर थर्डली हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर कुछ ऐसी रिसर्चेस होती है जिसके अंदर मैं मल्टीपल डिफरेंट वेरियस, जैसे आप पेपर में भी करते हो, वेरियस ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लोगों से पूछता हूँ जी कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 days, 7 days, 10 days, 14 days, 21 days, 5 ऑप्शंस दे दी, करेक्ट को टिक कर दें, तो दिस इज अनदर ऑप्शन।
फिर लिकर टाइप क्वेश्चन होते हैं। लिकर टाइप में बेटा आप जब ये फिल करते हो अपना टीचर इवेल्युएशन फॉर्म या कोर्स इवेल्युएशन फॉर्म, तो पांच कैटेगरीज जनरली आपको मिलती हैं। ये इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब पाकिस्तान हैज कंट्रोल्ड, एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, कोरोना वायरस वेरी इफेक्टिवली। तो आपके सामने मैं पांच ऑप्शंस दे देता हूँ, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो आप अकॉर्डिंगली, इसको हम कहते हैं लिकर्ट स्केल, सेटिस्फेक्शन स्केल्स भी इसको कह सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड विद द लर्निंग एनवायरनमेंट इन योर इंस्टीट्यूट? तो अगेन आपके पास पांच ऑप्शन होंगी, strongly disagree, disagree, neutral, agree, disagree, agree or strongly agree, whatever, जो भी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा हाँ, मैं क्या था, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होती है, दैट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल अगेन बट एक तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम बेसिकली दो ऑप्शंस दे के लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं, वो दो ऑप्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान बेस्ट या वर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से बीच की कोई मीडियोकर ऑप्शन का सच नहीं। फिर इसी तरह से एक क्यू सॉर्ट हमारे पास सर्वे फॉर्म होते हैं, क्यू सॉर्ट के अंदर हम बेसिकली देयर इज फोर्स चॉइस रैंकिंग ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। जैसे नॉर्मली लोग को जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हम अगर सर्वे करते हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक रिसर्चर ने 50 आइटम्स जॉब सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग उसका एक 50 आइटम्स या 50 क्वेश्चंस का सेट जनरेट किया, और उसके अंदर जो है एक एक कार्ड के ऊपर आपने वो सारे जो 50 आइटम्स से वो लिख दिए। ठीक है, अब हर क्लिनिशियन को आपने उससे कहा कि उन कार्ड्स को सॉर्ट कर दें, और एक पहले से जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है उसके अंदर आप इसको प्लेस कर। ठीक है, सो 50 कार्ड लेट से अगर आपने बनाए हैं तो उसके अंदर आप 5 कैटेगरीज बना सकती हो, हर एक की बेसिकली आप उसको कहोगे कि वेरी इंपॉर्टेंट की एक कैटेगरी है, एक इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है, एक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट की है, एक मिनिमली इंपॉर्टेंट की है, एक नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप भी कर सकते हो। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्पस है सर्वे रिसर्च का वो क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है रिसर्च को लेके वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर हम वाई इज समथिंग हैपनिंग इस टाइप का हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, फिर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ। इसी तरह अगर हम परसेंटेज किसी चीज की देखना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग मास्क दीस डेज, तो इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या लेना देना। ठीक है, तो ये बेटे टोटली डिपेंड करता है बेसिकली आपकी रिसर्च, आपकी हाँ रिसर्च के। फिर जो आप इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास सैंपल साइज एंड सैंपलिंग, व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब भी हम सर्वे रिसर्च के लिए सैंपलिंग करते हैं तो हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड होना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर, तो मेरी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। उसके बाद जनाब मुझे क्रिएट करना है अपना एक सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का बेटे मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर सारी की सारी मेरी जो पॉपुलेशन है वो सारी मुझे लिस्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, या चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, मैं कहता हूँ मैंने IHMS के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी, तो मैंने बिना पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन IHMS। अब मुझे सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन IHMS। वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, वो जी आपके ऑफिस से, आपके एडमिन के रिकॉर्ड से वो मुझे मिल जाएगा कि लेट्स से अगर 150 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं तो पूरे 150 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो क्या होगा, वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगा। ठीक है,
थर्ड हमें ये चाहिए कि मुझे इस सर्वे के अंदर कितने रिस्पॉन्सेस चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो नॉर्मली मैं हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं उसका नाम होता है उसको सॉरी वो फॉर्मूला होता है n is equal to z square p into 1 minus p divided by e square, ठीक है। z square की जो वैल्यू हम मोस्ट कॉमनली लेते हैं दैट इज बेसिकली 0.05 e का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ठीक है और अगर ये p हमारे पास ना हो तो हम इसको 0.5 भी ले लेते हैं 1 माइनस p ऑब्वियसली 1 माइनस जो भी p की वैल्यू है वो आ जाएगी और e स्क्वायर जो है वो 0.05 का हम स्क्वायर ले लेते हैं ठीक है ओके जी। सो z की सॉरी बेटे वैल्यू 1.96 होती है जो e स्क्वायर है वो हम 0.05 का स्क्वायर लेते हैं ठीक है। तो फॉर एग्जांपल z स्क्वायर हमने लिया 1.96 का स्क्वायर हो गया 3.84। अब लेट से मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है और 1 माइनस pv ऑब्वियसली 1 माइनस 0.5 वो भी 0.5 होगी तो 0.5 न्यूमरेटर में पास आ गया 0.96 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर तो जनाब 384। अगर हमारे पास p की वैल्यू हमें कहीं से नहीं मिलती तो हम हमेशा उसको 0.5 ले लेते हैं ठीक है और फिर ये स्टैंडर्ड ही हमारा सैंपल साइज 384 का आता है। कैसे किया फिर से एक दफा कर लो खुद से भी मैं दोबारा बता देता हूँ। n equals to z की बजाय वैल्यू पुट की मैंने 1.96 उसका ऑब्वियसली फॉर्मूला में स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0.5 1 माइनस 0.5 भी 0.5 भी होते हैं डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर ठीक है। तो जब आप 1.96 का स्क्वायर लोगे तो इट मस्ट बी 3.84 उसको 0.5 से और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.9604 आ जाएगा नीचे 0.05 का स्क्वायर लोगे तो 0.0025 आ जाएगा और दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 384 ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर आपने ये ऑब्वियसली जो फॉर्मूला है जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया वो आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है और जनाब वो आपको जैसे 384 हमारा आया। अच्छा 384 को समटाइम हम राउंड ऑफ करके 400 भी कर लेते हैं सो दैट अगर 10-15 लोग इधर उधर हो जाए हमें ना रिस्पॉन्स मिले तो वो भी हमारा कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी फिर जनाब इसी तरह मेल्ड सर्वेज होते हैं। आजकल हमारे पास आपने शायद नाम सुना होगा सर्वे मंकी का कि हम ईमेल के थ्रू भी सर्वे मंकी के ऊपर हम क्वेश्चनेयर जनरेट करते हैं और ईमेल के थ्रू वो सर्वे लोग को डिफरेंट लोग को भेज देते हैं और वो ईमेल पे रिस्पॉन्स आ जाता है। इसी तरह थोड़ा सा कन्वेंशनली ये होता था कि हम सर्वे को बाय पोस्ट भी भेज देते थे लोग उसको फिल करके वापस हमें सेंड कर देते ठीक है जी। फिर एक और टर्म जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पायलट टेस्टिंग पेज नंबर 220। पायलट टेस्ट का बेटा मतलब ये होता है कि जब हम अपनी ओरिजिनल रिसर्च करते हैं उससे पहले हम 10% के करीब सैंपल लेके यानी लेट से 400 लोगों का अगर हमने सर्वे करना है तो 40 के करीब लोगों को हम अपना जो क्वेश्चनर बनाया है वो हम उनसे देके उनको फिल करवाएंगे सो दैट हम ये मेक श्योर कर सकें कि हमने जो क्वेश्चनर बनाया है उस क्वेश्चनर की वैलिडिटी कैसी है उसके अंदर कोई ऐसा ऑफेंसिव क्वेश्चन तो हमने नहीं कर दिया लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है लोगों ने फिल किया भी है उसको या क्या सबने खाली वापस भेज दिया। इतना कोई हमने टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के लोग को समझ ही नहीं आया कि भाई क्या पूछना चाह रहा है बंदा ठीक है। तो एक्स वाई जेड तो सारी चीजों से बचने के लिए हम फिर पायलट टेस्टिंग जरूर करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम अपने क्वेश्चनेयर को पायलट टेस्टिंग के बाद रिवाइज भी कर लेते हैं सो दैट जब फाइनल हमने फील्ड में
जाके अपना करना है रिसर्च, तो हमें किसी किस्म के प्रॉब्लम है। और इसी तरह से बेटे आजकल इंटरनेट सर्विस, आपने फेसबुक वगैरह पे भी या डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी गैलप के सर्विस आते हैं, आपने किन नाम सुना होगा GALLOP, वो वैसे तो नॉन साइंटिफिक सर्विस होते हैं कि जी आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या आप कौन सा चैनल, ये TRPs जो चैनल्स की कैलकुलेट होती है, प्रोग्राम्स की कैलकुलेट होती है, ये इसी तरह सर्विस से करते हैं समटाइम्स, तो ये इस तरह के भी सर्विस होते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों को आप डिफरेंट तरह से भी जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब दिस इज ऑल अबाउट सर्वे रिसर्च, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।